हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन मेरे सभी भाइयों को। तो आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं बना रही हूँ कलाकंद। ये सिर्फ दूध से बना है और बहुत इजी है बनाना। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। तो मैंने लिया है 1 लीटर दूध, और 1 लीटर दूध को मैंने आधा आधा करके बांट लिया है। आधा लीटर दूध को मैंने अच्छे से उबाल लिया और उसमें मैंने आधा नींबू का रस पूरा गाड़ दिया है। अब इसको मैं धीरे धीरे करके चला लूँगी, मिलाऊँगी धीरे धीरे ताकि छेना अलग हो सके। ये देखिए, ऐसे करके दूध फट जाएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर में पानी मिला करके फिर इसमें धीरे धीरे ऐड कर दीजिएगा। अब इसको मैं हल्के स्टीम में, एकदम लो स्टीम में चढ़ा दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको जलाऊंगी और अपने आप दूध से छेना अलग हो जाएगा। दूसरे साइड में मैं आधा लीटर दूध को चढ़ा दी हूँ सूखने के लिए। तो ये देखिए, छेना बन चुका है। अब इसको मैं छान लूंगी। अगर आपके पास कोई दूसरा कपड़ा है, कॉटन का रुमाल है, आप उसमें भी छान सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा था तो इसको मैं इसमें ही छान ले रही हूँ। अब एक बार मैं इसको साफ पानी से भी छान लूंगी ताकि इसमें का जो भी नींबू का फ्लेवर है वो अलग हो जाए। ये देखिए, इसको मैं एक बार धो ले रही हूँ। अब धोने के बाद इसको मैं फिर से छान करके इसका पानी को गाड़ दूंगी। इस तरह से स्क्वीज कर दूंगी, ज्यादा नहीं इसका पानी को सुखाना है। बस इतना ही तक करके मैं इसको छोड़ दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से इस छेना को मैं मिला दूंगी। बस ऐसे ही करके इसको रख देना है, ज़्यादा इसको नहीं और मिलाना है, कुछ भी नहीं करना है। बस इसी तरह से मैं हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे कर दे रही हूँ, इस तरह से ही। आप देख रहे हैं ना, बस ऐसे ही। अब इसको मैं रख दूँगी और दूसरे साइड में मैंने चढ़ा दिया है दूध, तो मैं उस दूध को और भी ज़्यादा उबाल दूँगी। मैंने हल्के स्टीम में उसको चढ़ा के रखा है। तो मैंने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसको मैं इस तरह से बारीक काट के रख दूँगी। तो ये देखिए, दूध मेरा सूख रहा है। ये 1/2 लीटर दूध है, इसको भी मुझे सुखा देना है। 1/2 लीटर का भी आधा और कर देना है। तो ये देखिए, ये और कम होते जा रहा है, सूखते जा रहा है। और इसको मिला मिला के साइड साइड जो भी मलाई इसमें लग रही है ना, उसको भी पूरा इसमें मिला देना है। तो बस मैं इसी स्टेज में अब जितना भी मैंने ये छेना रखा था उसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब इस दूध में इस छेने को मैं पूरी तरह से मिला दूंगी अच्छी तरह से। ये देखिए, स्टीम एकदम ही कम है, लो स्टीम में है ताकि नीचे से जले नहीं। अब इसमें मैं 2 बड़ा चम्मच चीनी ऐड कर दूंगी। ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करना है, आप कम और ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच चीनी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा मीठा हो जाएगा, फिर खाया ही नहीं जाएगा नहीं तो। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 इलायची, उसको क्रश करके, उसका मैंने छिलका ग्रीन पार्ट नहीं डाला है, सिर्फ उसका बीज को मैंने अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं मिला दूंगी, चलाते रहना है नहीं तो नीचे से जल जाएगा। इसी तरह से मैं चला चला के इसको गाढ़ा कर लूँगी। तो जब तक गाढ़ा हो रहा है तब तक मैं ले लूँगी एक बर्तन, उसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए, ये छोटा सा एक बर्तन है, इस तरह से मैं इसको ग्रीस करके रख दूंगी। तो बस ये देखिए, ये गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दे रही हूँ। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर को भी ऐड कर सकते हैं इसमें, इसे कलर बहुत सुंदर आता है। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट बन गया है। ये देखिए, बस इसी स्टेज में मैंने कर दिया है बंद। अब मैं उस बर्तन में जिसमें मैंने ग्रीस किया था उसी में मैं सारे कलाकंद को उसमें मैं डाल दूंगी।
अब इसको मैं अच्छे से प्लेन कर लूंगी और ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसी को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको डेकोरेट कर दे रही हूँ। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिया था, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप डाल सकते हैं। मैंने काजू और बादाम ऐड किया है, इसको मैंने अच्छे से काट लिया था। ये देखिए बस, अब इसको मैं रख दूंगी ठंडा करने को, और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, ताकि बाद में जब ये ठंडा भी हो जाए तो इसका मैं पीसेस कट कर सकूं। ये बहुत आसान है बनाना, सिर्फ मैंने दूध से बनाया है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप लोग भी अपने घरों में बनाइए और ट्राई कीजिए। इस रक्षाबंधन आप लोग ज़रूर बनाइए अपने अपने घरों पे। बाज़ार से तो बहुत लाते हैं, इस बार अपने घर में खुद से बनाइए, आपके भाइयों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो आप मिलती हूँ मैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।